चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवाते हैं। एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई। फिलहाल आपको बता दें आज कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं। अपनी नई पार्टी का ऐलान कैप्टन अमरिंदर सिंह कर सकते हैं। अरूसा आलम से रिश्तों पर भी जवाब वो दे सकते हैं और पाकिस्तान पत्रकार है क्योंकि अरूसा आलम तो उनसे रिश्तों को लेकर भी जवाब वो फिलहाल दे सकते हैं, जानकारी मिल पा रही है। लेकिन बड़ी खबर फिलहाल ये है कि आज वो नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, अपनी पार्टी का ऐलान वो कर सकते हैं। हमारी संवाददाता कविता सैनी इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल लाइव जुड़ चुकी हैं। कविता, अब से कुछ ही देर में तकरीबन एक घंटे बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की जाएगी, 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जानना चाहेंगे उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई क्या जानकारी आपके पास, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, इस समय कह सकते हैं कि पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब में सियासी गलियारे जो है वो काफी तेज हो चुके हैं। सियासत जो है एक अलग ही सब कुछ देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा इस्तीफा दिया गया था कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री के पद से, उसके बाद एक महीने के बाद उन्होंने उनके मीडिया सलाहकार द्वारा एक ट्वीट किया जाता है जिसमें ये जानकारी दी जाती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे। हालांकि उन्होंने उस दौरान ये भी जरूर कहा था कि वे पार्टी का जो ऐलान है वो दिवाली से पहले करेंगे। कह सकते हैं कि आज जो 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दिवाली से पहले एक जो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी का ऐलान करके धमाका जरूर कर सकते हैं। हर किसी की जो निगाहें हैं इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पीसी है उस पर टिकी हुई है कि आखिरकार जब पीसी होगी तो किन किन मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है। तो इसमें यह भी माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी जो नई पार्टी है उसका ऐलान कर सकते हैं। और इसी के साथ कुछ सियासी सूत्रों से यह भी जानकारी मिल पाई है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी बात करें तो जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस है, उस तरीके से अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपनी पार्टी के नाम के साथ कांग्रेस का नाम जरूर जोड़ेंगे, हालांकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा जरूर कह दिया है, लेकिन जो उनकी नई पार्टी होगी उसके नाम के साथ जो भी उनका नाम होगा पार्टी का उनके साथ कांग्रेस जो है वो भी जुड़ सकता है। सबको इंतजार है 11 बजे का और इसके साथ सबसे ज्यादा जो अगर निगाहें टिकी हुई है वो टिकी हुई है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है तब से लगातार काफी चर्चाएं चल रही थी कि शायद वे अपना गठबंधन कर सकते हैं तो बीजेपी के साथ, लेकिन अब इस बीच में उन्होंने नई पार्टी का ऐलान जो है उसका घोषित कर दिया था। अब नई पार्टी का ऐलान जो है वो आज हो सकता है तो कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक और कुछ मंत्री हैं जिनसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है पिछले कई दिनों से मंथन जरूर कर रहे थे। आज ये देखने वाली बात होगी कि उनके साथ कौन कौन जुड़ता है, क्योंकि कांग्रेस जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी के ऐलान की बात की है तब से कांग्रेस पार्टी में काफी खलबली मचती हुई दिखाई दे रही है। जी, क्योंकि काफी ऐसे विधायक हैं, मंत्री हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे से और उनसे काफी समय से कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो मंथन कर रहे थे। तो 11 बजे का समय है प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11 बजे का समय 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कविता, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इस मौके पर यह भी कहा जा रहा है कि अरूसा आलम बीएसएफ और कृषि कानून जैसे मुद्दों को लेकर भी वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जी बिल्कुल, पंजाब की सियासत में पिछले कुछ दिनों से जो पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम जो है वो काफी चर्चाओं में छाई हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनके उनके महिला मित्र है, कुछ और भी कहा जा रहा है। इसी बीच में अरूसा आलम ने एक मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी साफ किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, वे लवर नहीं है, वे एक अच्छे मित्र हैं, वे उनके परिवार वालों को जानते हैं। तो जब उनकी मुलाकात हुई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ तब उनकी ऐसी कोई उम्र नहीं थी जिसमें वो लवर के जो मायने हैं वो रखे जाएं। तो उन्होंने बोला कि वे उनके एक दोस्त हैं और इसी पर आज कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जो विरोधियों को है वो जवाब दे सकते हैं कि क्योंकि पिछले काफी दिनों से अगर कहें कि पंजाब की सियासत में पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम जो है वो चर्चाओं में है, इसको लेकर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो विरोधियों को जवाब दे सकते हैं। और अन्य जो मुद्दे हैं जिस तरीके कृषि कानून मुद्दा है और
बात की जाए, बीएसएफ का मुद्दा भी आज कल जो है पंजाब में काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है, तो इन मुद्दों पर भी जो है वो अपने बयान कर सकते, बयान दे सकते हैं। हालांकि ट्वीट के राही जो है वो लगातार बयानबाजी जरूर तो बयानबाजी यहाँ पर जारी है। कविता, 10 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक भी कैप्टन के साथ मंच साझा कर सकते हैं, ये भी जानकारी फिलहाल मिल पा रही है। क्या कौन कौन उनके साथ शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में क्या अपडेट? जी बिल्कुल, इसी पे तो सबकी निगाहें टिकी हुई है। 11 बजे का समय है क्योंकि पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फेसबुक लाइव से दे रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अब चंडीगढ़ के एक नामचीन होटल में रखी है और वहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि कौन कौन जुड़ेगा, सबकी निगाहें इसी में टिकी हुई है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कौन कौन नया जो चेहरा है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ जुड़ा होगा, वो चेहरा जो है वो देखने वाला होगा। हर एक की निगाहें जो है इस समय 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उनमें क्या कुछ चर्चाएं होंगी और किन किन मुद्दों पर जो है वो बातचीत की जा सकती है और विरोधियों को जवाब जो है वो भी दिया जा सकता है, क्योंकि काफी टाइम से ट्वीट पे लगातार बयानबाजी जरूर जारी थी, चाहे कृषि कानून मुद्दा हो, बीएसएफ का मुद्दा हो, चाहे आरूसा आलम का मुद्दा हो, हर एक पर जो बयानबाजी थी वो ट्वीट पर जारी थी। लेकिन कह सकते हैं कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो खुद और क्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आपसे कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी इसी खबर पर अपडेट लेंगे। शुक्रिया कविता सैनी इस तमाम जानकारी के लिए।